हाय गाइस, ये मेरा टीसा व्लॉग है। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना स्कूल एडमिशन कराने। तो फिर हम लोग थोड़ी अभी निकल रहे हैं, तो फिर मैं आपको उधर ही मिलती हूँ। बाय। ये स्लाइड है, ठीक है। ये स्कूल है, ठीक है। ये ऑफिस है, वो आगे कैंटीन है। तो फिर गाइस, तो मैं अभी स्कूल पहुँच गई हूँ। मेरा टेस्ट भी हो गया, तो मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। यहाँ से नहीं, वहाँ से दिखाऊंगा मैं। ये हमारे स्कूल के झूले हैं गाइस, मैं आप लोग को खाना देती हूँ। बाय, ठीक है गाइस। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। ये मेरे चिक्स हैं, मजे मजे के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पिंक वाले हैं, ये येलो वाले हैं, मेरे पास बाकी है। ये तो मेरा फ्रेंड है, देखिए ये मेरा फ्रेंड है। ये मैंने अपनी गोली पर बिठा लिया ये। तो इसको अपने हाल पर हाल छोड़ देते हैं। ये मेरा पैरट्स है, ये क्या होते है? एक ये नीचे है, एक ये है, एक वो है, और वो जो आखिर में ब्लू वाला बैठा उसके पर नहीं है, वो उड़ सकता नहीं है। मतलब ये उड़ सकते, सारे उड़ सकते, लेकिन ये नहीं उड़ सकते, ये सिर्फ जंप मार सकते। बेचारा गिर गया अब ये। आप लोग को अपना कमरा दिखाता हूँ, एक सेकंड सबर गाइस। तो मैं अभी अपने कमरे में आ गया हूँ। तो मैं आप लोग को सबसे पहले अपना दराज दिखाता हूँ गाइस। तो ये मेरा दराज है। अब दराज को मैं खोलता हूँ। ये अंदर से डेकोरेट किया हुआ मैंने खुद, और ये मेरे अपने हाथ पर चीज पहन लूँ। ये मैंने अपने हाथ पर चीज पहनी है, प्रैंग वाली चीज़ है, जिसको वो एक इसके अंदर पाइप लगा होता है, वो हाथ पे पहनते और हाथ पे कील आ जाती है। तो ये मैंने घर में खुद बनाया, ठीक है। मेरी उंगली में कील फंसी हुई, मजाक कर रहा हूँ। ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। तो ये देखिए, फुल प्रैंग वाली है, इसके अंदर कील बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बाहर से दिखते, लेकिन अंदर है नहीं बिल्कुल भी। देखे दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए सर नहीं दिख रही। बस इसको तो छोड़ देना, खैर। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये, ठीक है। ये इसको खोलने तो चिपकली निकलती है, इसे सब डरते हैं। इसको भी साइड पर, जो ये मैंने खुद बनाई है माचिस की डब्बी से। फिर तीसरे नंबर पर है मिर्च, ठीक है, नकली मिर्च। ये टूटी है लेकिन बहुत फटर जैसी है, जिसको कभी भी खा सकते नहीं है, अगर खा गए तो दांत टूट जाएंगे। फिर ये फेक अंडा है, जिसको दिखाता हूँ। ये जो फेक अंडा है ना, ये है ना, इसको मैंने सीधा मारा, ये आया, ठीक है। ये टूटा नहीं है फिर भी, ये प्लास्टिक के वजह से। इससे भी किसी के साथ प्रैंक कर सकते, इसको भी रख लो। फिर ये है एक और चीज़, ये है प्रैंक वाली बबल। इसको एक जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना अगर इस तरह करें। इसको मैं खींचूं कैसे, देखे। ये करंट वाली बबल है, ठीक है। बंदा अगर इसको खींच देता तो बहुत तेज करंट लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर, बस मोबाइल आ गिरते, ठीक है। इसको यहाँ से खींचते हैं ना तो बहुत तेज करंट लगती है, ठीक है। एक ये हो गई, ये मैंने दराज से मंगवाई है। फिर उसके नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास बस। ये तो ख़त्म हो गया, फिर मैं आप लोग को पटाखे दिखाता हूँ अभी। बाय।
मैंने आप लोग को अपने पटाखे डरास तो दिखा दिए, अब मैं आप लोग को अपने पटाखे दिखाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड सबर, मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पटाखे शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरे फर्स्ट पटाखे, बहुत तेज होते हैं, सबसे ज्यादा ये वाले तेज जो मैंने खड़े किए थे। उसके बाद ये वाला पटाखा है ना, इसके अंदर बारूद है इनका, तो फिर जो इनका बारूद है ना, मैं इनको अगर बारूद निकालूँ और जलाऊँ ना तो बहुत सारी छुरछुरियाँ निकलेंगी और एक दो धा भी होंगे। और फिर ये एक पटाखा, ये पटाखा नहीं, इसके अंदर माचिस पड़ी हुई है बहुत सारी, इसको फिर जला सकते हैं ये माचिस। और फिर ये हमारे पास एक पटाखा है जो मैं आप लोग को फाड़ कर भी दिखा सकती हूँ बिना बिना पॉल्यूशन के बगैर। अंडा नहीं यार, ये तो खराब एक बार, ये बहुत मुश्किल से होता है, ये है ना, होया 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 होया, ये बहुत मजे के मैंने खुद बनाए घर में। तो और फिर उसके बाद हमारे पास है पटाखा एक ये वाला, जिसके अंदर दिखाता हूँ, ये 10 होते हैं मैंने यूज कर लिए ना, तो ये इसको यहाँ से आग लगाती है, कहाँ से इसकी कौन सी जगह होगी, ये यहाँ से आग लगाती है, ये जो ब्लैक ब्लैक है लंबा सा, इससे आग लगाती है, और जब इसको आग लगाती है तो आसमान में जाकर उड़ते हैं, बहुत मज़े के। ये वाला भी ईद पर आप लोग के लिए, ईद से पहले जब ईद आने वाली होगी उस टाइम आप लोग के लिए, जिस दिन चांद निकलेगा ना ईद का, उस दिन आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। फिर उसके बाद ये वाले पटाखे है पर जिसको हाथ में हम लोग कर सकते हैं, ये ईद पर मैं इसकी 2 डब्बियाँ लाऊंगा। और इसको जब मेरे खोल रहा हूँ, इसको मैं खोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से खोलते हैं गाइस, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है? ये पटाखे है, इसको हम लोग हाथ में पकड़ते हैं, बहुत बड़े होते हैं, 10 होते हैं इसके दाने, और फिर इसको यहाँ से हाथ पे आग लगाती तो ठर्र होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, ऐसे कोई नहीं दसता, इसको बंदा बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये मतलब बहुत अच्छे हैं ये वाले पटाखे। मैं इसको बंद कर लूँ फिर आप लोग को और दिखाता हूँ। और 2 लास्ट और पटाखे बचे हैं, ये वाला एक पटाखे, इसको जलाएंगे तो ठर्र होंगे, ठीक है? इसको जलाएंगे ना, और ये छोटे छोटे पटाखे क्या है, ये इसके अंदर डाले हुए हैं, और जब इसको जलाएंगे ठर्र होंगे बहुत सारे। फिर ये भी मैंने आप लोग को दिखा दिया, और ये पटाखा देखे इतना बड़ा, ये दिखाता हूँ आप लोग को पूरा, यहाँ से इसको आग लगाएंगे तो ये आसमान में जाएगा और एक ढा होएगा इस तरह मजे का, ये 8 बार होएगा, 8 एक बार नहीं, 8 बार होएगा, ये बहुत बड़ा पटाखा है ये। फिर ये वाला पटाखा पता कौन से, फिर वह सारे पटाखे गिर गए, मेरे सारे पटाखे गिर गए यार, खराब भी हो गया, एक तो खराब भी हो गया, गिरे क्यों है, फिर से गिर गए, माना मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा लूँ, ठीक है? एक ये वाला पटाखा है, ये कितने बार होगा, ये होएगा पूरे 5 बार, ठीक है? इसकी यहाँ पर डेटेशन लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ ले, मेरी तो बहुत देर लग जाएगी पढ़ना इस पे पढ़ने पर। फिर देखिए यहाँ पर भी, इसको हाथ पे कभी भी नहीं करते, इसको मिट्टी के अंदर डाल कर करते हैं, और जब ये हो जाए फिर इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये पूरा यहाँ तक पटाखे है, ये 5 बार होते हैं, और ये वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा दिखाता हूँ, जो ये सबसे बड़ा है, ये 8 बार होते हैं,
ये भी बहुत बड़ा है, इसकी भी देख ले आप लोग। ठीक है, एक ये वाला भी हो गया। ये 8 बार होता है और ये 5 बार। फिर उसके बाद तो ये पटाखे जिसको जिसको भी चाहिए ना, सिर्फ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और उसके बाद ये वाला पटाखे, ये देखते हैं कितनी बार होता है। ये 8 बार होता है, 8 8। ये वाला 8 बार होता है। और ये वाला जो है ना, ये फिर 5 बार होता है। तो अभी मैं आप लोग को फिर अब बाहर मिलता हूँ, बाय। तो गाइस, मैंने जो आप लोग को अपने पटाखे और दराज दिखा दिए, लेकिन और चीजें जो मैंने दिखाई ही नहीं, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और जो चीजें हैं ना गाइस, वो ये है, ये हाथी है, ये टाइगर है, ये चीता है, ये शेर है, ये टाइगर है, ये टाइगर का शायद बच्चा है, और ये फिर जेब्रा है। तो मैं आप लोग को अभी एक और चीज भी दिखाता हूँ, इट्स बाय अभी के लिए। गाइस, मैंने तो आपको अपने जानवर भी दिखा लिए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, मेरा तो पूरा कमरा रहता है अभी। तो मैं आप लोग को अभी एक और चीज दिखा। गाइस, तो दूसरी चीज है ना, वो ये है, मैग्नेट और बिलोरे। इतने बहुत मेरे पास बिलोरे है ना, बस आप लोग की सोच भी नहीं होगी। मैं इसको खोलता हूँ, सबर। ये मैंने खोल दिया बिलोरे का ये ढक्कन। मैं आप लोग को पहले, सबसे पहले मैग्नेट दिखाता हूँ। ये 1 मैग्नेट, अगर आप लोग के भीतर चाहिए तो फिर आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, फिर मैं आप लोग को दे दूंगा, पटाखे भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। आइडिया आया, इसको पूरा पूरा कर लेता हूँ। ये क्या हुआ, ये तो सब खराब हो गए। सबर, इतने बहुत है, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, बहुत सारे है मेरे पास ना। कुछ चीज़ें मैं आप लोग को कल भी दिखाऊंगा, इसमें से आज तो सारी नहीं दिखा सकता ना, आहिस्ता आहिस्ता कर कर दिखाऊंगा। मेरा पूरा अभी कमरा रहता है, मैं तो आप लोग को सिर्फ दराज दिखाई है। तो ये है मेरी पूरी चीज़ें, ये आप लोग को चाहिए सारी, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में पटाखे भी ले लें। बहुत बड़ी है मैंने इन दोनों, ये बड़े बड़ा जो मैग्नेट है ना, ये दो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो अभी के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो बाय।